दोस्तों ये है रामेश्वर महादेव का सीन। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की हाइट और पहाड़ी एरिया। दोस्तों बहुत ही अलग तरीका का सीन है ये, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गहराई बहुत खतरनाक है। लोग इधर परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ी सी यहाँ का हाइट का सीन दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं गहराई बहुत खतरनाक है यहाँ। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि गहराई के हिसाब से भरोसा नहीं है ना, चट्टाने कभी भी खिसक सकती है। और इधर यात्रीगण यात्रा के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, और आप लोग जानते होंगे कि आजकल लोग यात्रा कम और एंजॉय ज़्यादा करते हैं। तो फाइनली मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस सीन पर। आप लोगों को बहुत दूर तक दिखाई दे रहे होंगे इधर सड़कें, तो मेन रास्ता तो वह है, लेकिन 12 महीने में एक बार यहाँ पर परिक्रमा लगती है दोस्तों रामेश्वर महादेव के अंदर, तो इस पहाड़ से लगाई जाती है, बड़ी परिक्रमा होती है दोस्तों ये। और राजस्थान से अनेक जगह से यहाँ पर लोग आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। राम राम जी भाई साहब, कहाँ से आए हो भाई साहब आप? पास गांव है, नया गांव दबलाना के पास। अच्छा दावा एक नया गांव। अच्छा दबलाना यहाँ 10-5 किलोमीटर में पड़ता है क्या? हाँ, 10 किलोमीटर। ये जो परिक्रमा लगाते हैं लोग, मतलब 12 महीने में कितनी बार लगती है यहाँ? एक बार। 12 महीने में एक बार ही लगती है। हाँ। तो जैसे इधर से ये सारा पहाड़ी एरिया है या कहीं आगे से जैसे 4-व्हीलर या 2-व्हीलर वगैरह आने की व्यवस्था हो? नहीं नहीं आ सकते। अच्छा तो 12 महीने में एक बार लगाते हैं और सारे लोग ऐसे आते हैं? ऐसे आते हैं पैदल। अच्छा तो आसपास मतलब कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए? इधर आसपास जो भी 10-12 गांव पड़ते हैं आते हैं, दूर दूर से आते हैं वैसे आने में। तो अच्छा दूर से भी आते हैं लोग? दूर दूर से। अच्छा तो जैसे इनमें सभी यात्री हैं या एंजॉय करने वाले भी हैं लोग, मतलब जैसे घूमने के तरीके से आते हैं? यात्री आते हैं यहाँ तो। अच्छा यात्री आते हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।